लेकर के चल रही हूँ। कौन सी बेटे कौन सी? अजय भैया गाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ना बेटे, ना कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें, बस इतना हमसे आप पहले लिखवा दो। सुनेगा एक गीत दिया मुंबई वालों ने, अरे प्यार के अफसाने साफ हाथ मारते हो, कोई फड़फड़ी नहीं इसमें। सुनेगा प्यार के अफसाने, आदरणीय डॉक्टर साहब सुनिएगा गीत या बंबई वालों ने, प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या हो सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर श्री उमा शंकर मौर्य जी। क्या बात है आदरणीय डॉक्टर श्री उमा शंकर मौर्य जी के आप दामाद जी हैं, सत्येंद्र मौर्य जी आप इंजीनियर हैं और आप कोलकाता से पधारे हुए हैं आदरणीय सत्येंद्र भैया जी और उमा शंकर चाचा जी, आपको मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है और आपकी ओर से ये 201 रुपए की पद मुद्राएं हैं और पुनः वही बार बार लगातार नोटों की बौछार। सम्मानीय इस सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर श्री उमा शंकर मौर्य जी की क्या बात है आदरणीय डॉक्टर साहब की आप छोटी बेटी हैं, सम्मानीय छोटी बेटी शगुन मौर्य जी, शगुन बहन जी की ओर से ये 201 रुपए की पद मुद्राएं हैं। अगर मुझसे छोटी है तो माता रानी से कामना करती हूँ कि माता रानी अपना वरद हस्त्र हमारी बिटिया रानी पर हमेशा बनाए रखें और अगर मुझसे बड़ी है तो आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। क्या बात है, उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हूँ कि माता रानी से यही कामना है। सुनिएगा और ये 51 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय बड़ भैया गोवर्धन मौर्य जी उत्तरा गौरी, गोवर्धन मौर्य जी उत्तरा गौरी आपके करकमों से 51 रुपए की पद मुद्राएं हैं। सुनिएगा प्यार के अफसाने सुने हैं लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया, मिला दिल तुझसे तो ख्वाब देखे ऐसे जुनू जाने, आइएगा। ये तो हो गई तर्ज,
अब अजय भैया सुनिएगा मर्द। एक बार प्रसंग बिल्कुल सुलझा हुआ, वैसे पहले ही बोल चुकी हूँ कि गाने में कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशान नहीं। बच्चा बच्चा जानता है जिस समय प्रभु श्री राम जी ने सभी को उपहार बांटने लगे, नंबर आ जाता है हमारा हनुमान जी का। अच्छा, आपका भी नंबर चल रहा है। जब बाबा बजरंग बली को मोतियों की एक माला दे दी, बाबा बजरंग बली बहुत देर हो गई देखते रहे और अब मोतियों के जो माला के मोती हैं उनको एक एक करके तोड़ने लगे। सभी सभा में विराजमान बानर और भालू सभी लोग देख रहे हैं। ये बेटे क्या? बाबा बजरंग बली से पूछा है हनुमान, आखिर तुम श्री रामचंद्र जी की दी हुई निशानी क्यों तोड़ रहे हो? आखिर बात क्या है? हनुमान ने कहा, मुझे इसमें अपने स्वामी की छवि नजर नहीं आ रही है। ना इसमें कोई शंका है बेटे? जब छवि नजर नहीं आ रही है तो बानर भालू कहने लगे, हनुमान क्या तुम में तुम्हारे स्वामी हैं? क्या तुम में तुम्हारे प्रभु श्री राम हैं? हनुमान कहने लगे, हाँ हैं। कहने लगे, अगर है तो दिखाओ, आज प्रत्यक्ष हो जाए कि हाँ वास्तव में है। इतनी पंक्ति शुरू कर रही हूँ, सुनिएगा। अदरी नन्ना जी लगे हैं उकसाने, सम्मानीय श्री, क्या बात है। अच्छा, 51 रुपए की पद मुद्राएं आपकी ओर से भी आ गई हमारे महेंद्र नन्ना जी के लिए। श्री छोटू की ओर से हमारे महेंद्र नन्ना जी जो कि नाल पर संगत कर रहे हैं आपके लिए हैं। अच्छा अच्छा, ये छोटू की ओर से हैं, क्या बात है। अजय भैया के साथ जो नाम पर संगत कर रहे हैं हमारे बड़े छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, छोटू नाल वादक। आपकी ओर से हमारे महेंद्र नन्ना जी के लिए 51 रुपए की पद मुद्राएं हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ, सुनिएगा। क्या बात है, छोटू ने मोटू के लिए लगे हैं उकसाने, मारते हैं ताने, आज कपिराई पर निगाहें सताने। कहा अगर तुम में तुम्हारे श्री राम हैं तो आज ऐसा हो जाए, हम भी देखना चाहते हैं। बेटे क्या सुनिएगा, अरे मिलना जुलना पन न बिगड़ना, मुरझाना खिलना। अच्छा भैया, शब्दों पर विशेष ध्यान चाहो, बिल्कुल बेटे बिल्कुल, गीत को हलवा मत समझना, सुनिएगा। के मिलना जुलना पन न बिगड़ना, मुरझाना खिलना, अरे मुरझाना खिलना। जब कहा मुझ में है तो उसी क्षण आदरणीय डॉक्टर साहब हो चीर दिखाया, कहा मुझ में है चीर दिखाया, उड़ अपना तो चीर दिखाया, उड़ अपना तो सिया राम को रमा रखा है। बहुत धन्यवाद है, जय हो रे जय हो रे। एक बहुत अच्छी बात, सिया राम को रमा रखा है, पहली बात है कि सीने में, और दूसरी बात आ रही है कि रमा तो रखा है
सिया और राम है, यहाँ भी सिया राम और सामने भी सिया राम। ओ चीर दिखाया उड़ा अपना तो सिया राम को रमा रखा है। विशाल सूचना के साथ कुछ पुरस्कार आए हैं, 51 रुपए की पद्मुद्राएं जयश्री ढेंगरी वीर बाबा, दिनांक 26/11/2019 दिन मंगलवार को एक ग्राम बहुत ही सुंदर सा ग्राम है, एक ग्राम वाजपेयीपुर में प्रातः 10 बजे से विशाल जवाबी कीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें दो सुंदर से कलाकारों का चयन किया है। सम्मानीय प्रथम पार्टी है क्रांति मालाजी कानपुर और दूसरी पार्टी सम्मानीय बड़े भैया श्री शशिराज कमल जी रायबरेली, और इस सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक है ओम प्रकाश त्रिवेदी जी, पंडित श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी जी। हाँ बेटे, एक तिवारी सब पर भारी। और ये 201 रुपए की पद्मुद्राएं सम्मानीय श्री रमेश कुमार मौर्य, भारतीय सेना एवं लक्ष्मी मौर्य शिक्षक, आपकी ओर से ये 201 रुपए की पद्मुद्राएं हैं। हृदय से नमन कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की आकांक्षी हूँ। और ये बड़े भाई सम्मानीय राम शंकर मौर्य जी की, क्या बात है, आप बड़ी बहू हैं, आपकी ओर से 51 रुपए की पद्मुद्राएं हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ। 101 रुपए की पद्मुद्राएं बेशवारा टेंट हाउस उत्तरा गौरी लालगंज, आज का टेंट इन्हीं का है, क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस सुंदर से टेंट व्यवस्था के लिए, आपकी ओर से 101 रुपए की पद्मुद्राएं हैं। 101 रुपए की पद्मुद्राएं सम्मानीय डॉक्टर श्री उमा शंकर जी की, आप बड़ी भाभी जी हैं, क्या बात है, आप डॉक्टर साहब की बड़ी भाभी जी हैं, आपकी ओर से ये 101 रुपए की पद्मुद्राएं हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ और आपसे आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और 101 रुपए की पद्मुद्राएं हैं बबलू चौहान जी उत्तरा गौरी, श्री बबलू चौहान जी आप उत्तरा गौरी से पधारे हैं, आपकी ओर से 101 रुपए की पद्मुद्राएं हैं, हृदय से नमन कर रही हूँ। सुनिएगा दूसरी पंक्ति को, यहाँ पर चीर दिखाया अपना तो सिया राम को रमा रखा है। अरे भैया, यहाँ पर हनुमान जी ने अपने उर में अपने हृदय में सीता और राम को रमा रखा है, लेकिन दूसरी पंक्ति सुनिएगा, जिस समय कन्हैया ने मिट्टी खा ली, आदरणीय डॉक्टर साहब, कन्हैया ने मिट्टी खा ली, माँ पहुंच जाती है, मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया मैंने देखा तुमने अभी अभी मिट्टी खाई है, बीच में अभी अभी मिट्टी खाई है, इसलिए मैं चाहती हूँ, कन्हैया झूठ बोलने लगी, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, माँ ने कहा अगर तुमने मिट्टी नहीं खाई अपना मुंह खोल कर दिखाओ, और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला भैया देख क्या रही है, सुनेगा डांटती है माई, सुनेगा
नहीं है क्या बेटे क्या? अरे पीना खाना, अजय भैया के पीना खाना हंसना रोना। हाँ बेटे बहुत से सुनिएगा। अरे पीना खाना हंसना रोना होना ना होना, अरे होना ना होना, सब सृष्टि को समा रखा। अजय भैया ये है बेटा, ये है मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। खोल दिखाया मुख अपना तो सब सृष्टि को समा रखा। और ये 201 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय श्री रतिपाल मौर्य जी समोसा वालों की ओर से हैं, गरीब गंज भाई। रतिपाल जी आपके कर्तव्यों से ये 201 रुपए की पद मुद्राएं हैं, और माता रानी से ऐसी कामना है कि आपकी जो समोसे की दुकान है दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की करे। सुनिएगा अंतिम पंक्तियां सुनिएगा। उधर में आते हैं जिस समय प्रलय पड़ गया, अजय भैया जिस समय प्रलय पड़ गया तो मार्कंडेय ऋषि जी चले जा रहे हैं। गोपाल जी से मुलाकात हुई, पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु मैं अपना ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। कहने लगे मेरे मुख में बैठ जाओ। गोपाल जी कहने लगे मेरे मुख में बैठ जाओ। और उधर में 7 बार समाए, जब मुख में बैठ करके 7 बार समाए तो गीत की पंक्ति यही से शुरू कर दी। सुनेगा अंतिम बार। उधर में आते हैं फिर उधर में समाते हैं, और जहां भी जाते हैं जहां भी जाते हैं प्रभु को पाते हैं। तो अरे आना जाना खोना पाना कि आना जाना खोना पाना दीपक ना जाना, अरे दीपक ना जाना। और जब नहीं जाने तो एक पंक्ति पुनः दे रही हो। कौन सी बेटे? सृष्टि दिखाई भैया, पहले जब उर में बसा रखा है यानी कि हृदय में आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, हनुमान जी ने सीता राम को हृदय में बसा रखा है, और यहाँ पर भगवान कन्हैया ने जब मुख खोला तो सारी सृष्टि को मुख में बसा रखा है, यानी पूरा ब्रह्मांड बेटे। और तीसरी बात सुनिएगा, किसने कहा किसको बसा, किसको बसा रखा है? सृष्टि दिखाई उतर उतर में, सृष्टि दिखाई उतर उतर में तो खुद अपने को रमा रखा। यानी कि उन्हें उन्हीं का पेट है और उन्हीं ने अपने पेट में खुद अपने को रमा रखा है। चक्कर काटा है पूरी सृष्टि का लेकिन आए तो पेट में ही है। तो पहले हृदय फिर बात आ जाती है मुख, अब बात आ गई पेट। ओ सृष्टि दिखाई उधर में तो खुद अपने को समा रखा।
है, जैसा बोगी वैसे ही तो काटोगी बिल्कुल। और फिर दूसरी चीज, फिर आपने कह दिया गीत को हलवा ना समझिए, यानी इस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा गीत फंसाने वाला है। और क्या, परेशान ना हो, रात भर तुम फंसा नहीं पाओगी। बिल्कुल सुने सुने। और क्या, और क्या, हमारा छोटू भी नहीं फंसता है। बहुत भारी भरकम स्नेह प्राप्त हुआ है। वाह, हमारे संजय भैया जो केएस परिवार, यानी ये जो चैनल है, हम लोग कहें हमारे लिए तो ये परिवार है बिल्कुल। इस केएस चैनल का आज का जो कार्यक्रम शूट हो रहा है परमाग्रणी संजय भैया की ओर से, किसी का कुछ दिया हुआ मुझ तक पहुंचाया गया है। वाह, जो पहुंचाया गया है ये तो आपने देखा है, लेकिन इसके साथ में भी एक पत्र भी आया है। मैं चाहता हूं जो उस बिटिया ने लिखा है आप सभी के सामने उसको पढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल, हमारे संजय भैया की पलकों पे सदैव बसती है, नाम है उसका कशिश। कशिश, कशिश के फॉर कशिश, एस फॉर स्टूडियो, यानी इस स्टूडियो, इस चैनल की जो मालकिन है उस बिटिया, उस कशिश की ओर से एक मैसेज आया है। क्या लिखा है कि परम आदरणीय चाचा जी, एक बेटी आपको क्या दे सकती है जो उसने दे दिया शायद कोई ना दे पाए। एक बेटी आपको क्या दे सकती है, वो तो सिर्फ सम्मान। आपसे मेरे पापा के जन्मदिन पर मुलाकात नहीं हुई, वो मुझे सिर्फ सम्मान दे सकती है। वो माता रानी से मैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन उसने एक बात और लिखी, वो अपने पिता के लिए लिखी, यानी संजय भैया के लिए लिखी। वाह, उसने लिखा कि मेरे पापा के जन्मदिन पर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। जिस दिन संजय भैया का जन्मदिन था उस दिन ये बाहर थे, बिटिया घर में थी और अपने पिता का इंतजार कर रही थी। लिखा उसने,
कि मेरे पापा के जन्मदिन पर मुलाकात नहीं हो सकी, मगर आपको सम्मान भेज रही हूं, स्वीकार करें। स्वीकार नहीं सर, आंखों पे है। और मेरे पापा मम्मी के लिए वो माता रानी से प्रार्थना कर रही है। वो कहती है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी के लिए माता रानी से यही दुआ करूंगी कि प्रत्येक जन्म में यही मम्मी और यही पापा मिले। आपकी बेटी कशिश सिंह राठौर। वास्तव में मैं बताऊं, जितनी इस लड़की की अवस्था नहीं है उससे अच्छे इस लड़की के संस्कार मैं कह सकता हूं कि बाल्य रूप में माता सरस्वती आई है। संजय भैया फर्श पर आ गए थे, लेकिन जब से इस लड़की ने इनके यहां जन्म लिया है तब से फिर से व्यवस्थाएं सुधरी। क्या बात है, क्या बात है। उसकी ओर से ये एक अंगवस्त्र और साथ में असीम स्नेह प्यार मिला है माता रानी से। उस लड़की के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, कशिश के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उनके मम्मी पापा के लिए भी ढेर सारा स्नेह मई वंदन अभिनंदन है। माता रानी इस परिवार को सदैव सुखी रखे। आइए चलते हैं जवाब की ओर। प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। दिल में ऐसा दर्द जगा, दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, गौर से देखो इस दुनिया को, दारू का नाम दवा रखा है। और अगर ये नहीं होता तो सब बंद हो गया होता। तो तेरा ही दर्द छिपा रखा, तेरा ही दर्द छुपा रखा, तेरा ही दर्द छुपा रखा। सुने सुने, प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से। आपने बताया कि हृदय में रमा रखा है सीताराम को, फिर मुख में सृष्टि, यानी हृदय और मुख। खास बात यह आपने बताई कि मैं भी उसी के अंदर, जो धरे है जो दिखला रहा है वो भी उसी के अंदर। उस साथ में यह भी कहा है कि हलवा ना समझना। नंदनी जी देखिए, प्रयास कर रहा हूं। जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा है, दीपू भैया, डॉक्टर साहब, संजय भैया और साहू भाई, सुने सुने, जितनी भी सराहना आपके साउंड की करे कम है। अगर सालों साल निरंतर मिले तो आवाज जाएगी नहीं। क्या बात, सुने, कह रहा हूं क्या, जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा है, वानर सेना कह रही प्रभु प्रभु इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मार दो मार दो। बार बार प्रभु राम तीर तो चढ़ता लेकिन रुक जाता। विभीषण पहुंचे, कहा कि आखिर प्रभु बात क्या है, क्यों तीर नहीं चला रहे हो रावण के हृदय में।
क्यों तीर नहीं चला रहे हो? तो देखिए प्रभु राम विभीषण से कहते क्या है। सुने सुने लगे प्रभु बदलाने लगे प्रभु बदलाने जिससे सब अनजाने। आखिर वो तीर चल क्यों नहीं रहा है? कह रहे हैं सुनो सुनो लगे प्रभु बदलाने जिससे सब अनजाने। सीने में सर लगा दो रावण के सीने में सर लगा दो जाएगी दो दो जाने। दो दो जाने कौन सी है? बताता हूं भी बताइए। कहने लगे तो आपने वो जो सर्कस लगा रखा है उसको भी देखिए कि चलना फिरना उठना बैठना क्या कहना सुनना क्या कहना सुनना हो जनक लली को। कारण क्या है? जनक लली को दस कंधर ने जनक लली को दस कंधर ने उर अंतस में बसा रखा है। तो अगर मैं तीर चलाता हूं तो सीता जी का वध हो जाएगा। इसलिए सुनो जनक लली को दस कंधर ने उरे अंतस में बसा रखा उरे अंतस में बसा रखा उरे अंतस में बसा। अब आप देखिए दूसरी बात दिखा रहा हूं। कैसे? धरा पे शिव जी स्वयं धरा पे शिव जी स्वयं आए बन कपीराए दूर ना रही भवानी पूछ बन कर आई फिर सर्कस देखिए अपना। क्या बात है? सोना जगना घटना बढ़ना गिरना और उठना गिरना और उठना हा 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 हा। कपीराई ने पूछ रूप में शक्ति को तन में बसा रखा है। हृदय भी शरीर का एक हिस्सा है तो पूंछ भी शरीर का एक हिस्सा है। क्या बात है? तो कपीराई ने पूंछ रूप में शक्ति को तन में धसा रखा है। अब एक बात और देखें। भगवान श्री कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया है वो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड मुख में है तो विचार करिएगा उस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद है। यानी जो मुख में दिखा रहे हैं वही मुख में भी मिलेंगे आपको और वही कृष्ण। एक जगह का वृत्तांत बताता हूं उसने घटना को लोक की है
भैया, दीपक भैया, दीपक भैया सुने, घटना को लोक की है हुआ जलसा न्यारा, गल गए राधा किसन, राधा और कृष्ण गल गए, और जब गल गए यानी पानी रूप में परिवर्तित हो गए तो कहना पड़ा गल गए राधा किसन, बहे मन जल धारा, बहे मन जल धारा। तो एक बात और कि खोना पाना आना जाना, छुपना और दिखना, छुपना और दिखना, ग्रंथों में पढ़ के पाया, ग्रंथों में पढ़े करके पाया, ग्रंथों में पढ़े करके पाया, राधा और कृष्ण एक दूजे को लसा रखा है, एक दूसरे के मन में वो बसे हैं, इसलिए कह रहा हूं सुने सुने, ग्रंथों में पढ़ी करके पाया, एक दूजे को लसा रखा, एक दूजे को लसा